नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए और जो करना है कीजिए, क्योंकि आज है होली। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज मैच है आरसीबी और पंजाब का, और ऐसी दो टीमें जिनको हम हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं, दोनों में से एक तो जीतेगी, ये पक्की बात है, दोनों में से एक तो जीतेगी। लेकिन भाई यार, प्रीति जिंटा को जब देखते हैं ना, तो उसको देखते हैं तो हम फील ही नहीं कर पाते कि पंजाब हारने चाहिए, पंजाब जीतनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से प्रीति जिंटा आती है। पंजाब हारे, आरसीबी जीते, लेकिन आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें 1 करोड़ रुपए से प्राइज की शुरुआत होती है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और वो कौन सी एप्लीकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ आज आपके लिए मैं बहुत बड़ा धमाका लेके आया हूं। वो धमाका क्या है, धमाके के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम मैच को लेके बात करेंगे। धमाका है आज जो हमारा गिवे होगा, फ्री गिवे होगा, उसमें 20 विनर होंगे। पहले में 5 विनर थे, लास्ट में 10 थे, और आज के इस वीडियो में 10 विनर होंगे। और विनर कैसे होंगे, आपको क्या करना है, वो भी आप 20 लोगों को 500 रुपए मिलेंगे, आप भी जीत सकते हैं। तो गिवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। पहले आपको बता देता हूं कि गिवे के रूल्स क्या है। गिवे के रूल्स कुछ इस प्रकार है, पूरा फॉलो करोगे तभी आपको गिवे मिलेगा। रैंडमली मैं 20 विनर पिक करूंगा, आपका नाम आ सकता है, तो आप जरूर से है वो पार्टिसिपेट कीजिएगा। रूल्स कुछ ऐसे, रूल्स ऐसे है कि सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके अगर देखोगे तो भाई आप बाहर हो जाओगे गिवे से, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। दूसरी चीज कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, तो लाइक तो अभी से कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तीसरा रूल है, वो है कि आपको कमेंट करना है। एक कोई भी कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा वीडियो से रिलेटेड आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे रैंडमली, मैं कोई भी कमेंट है वो पिक करूंगा और आप विनर बन जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है कि ये है वो है, रैंडमली पिक होंगे, किसी को भी किसी का नाम आ सकता है। फोर्थ, आपको अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ये 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, आप विनर बन सकते हैं। 20 विनर होंगे, 20 विनर को मिलेंगे 500 रुपए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में, और बेल आइकन को दबा लेना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसका सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, तो गिवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, आपका नंबर लग सकता है। फ्री में बैठे बैठे यार 500 रुपए हाथ आ रहे हैं, तो फिर छोड़ना ही क्या। अब देखिए, बात करते हैं आज के मैच को लेके। आरसीबी वर्सेस पंजाब का ये मैच होगा, बहुत शानदार मैच होगा। कैसे आप टीम बनाएंगे, कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, कौन सी टीम जीतेगी, इन सभी चीजों के पे डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम कभी भी बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। जी हाँ, पिच रिपोर्ट से शुरू करते हैं। पिच रिपोर्ट, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। देखिए, चिन्नास्वामी की है ना, वो डबल टाइप्स की विकेट रहती है। डबल टाइप्स मींस आप देखोगे कि चिन्नास्वामी की डायमेंशंस बहुत छोटी है, बाउंड्री छोटी छोटी है, चिन्नास्वामी में रन्स बनते हैं। लेकिन आपने बहुत टाइम्स में देखा होगा चिन्नास्वामी पे 140 रन बनने भी मुश्किल हो जाते हैं, और वो विकेट अभी के लिए नहीं है, वो विकेट अभी के लिए नहीं है, अभी एक फ्रेश विकेट है। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है, 180 वाली विकेट है, 190 वाली विकेट है, 200 वाली विकेट है। पंजाब पहले बैटिंग करती है, 160 वाली विकेट है, 170 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके की विकेट है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा इस विकेट पे रहेगा नहीं, डेप्थ में विकेट आ सकती है। बाकी ओवरऑल इस मैच में है वो बैटिंग वाइज ये काफी बढ़िया विकेट रहेगी आरसीबी बेंगलुरु की, क्योंकि फ्रेश विकेट है, रन्स बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बैट्समैन को ज्यादा टारगेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा है चिन्नास्वामी विकेट का रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसको लेके। देखिए यहां देखते जाइएगा,
फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ओपन कर रहे हैं। तीन नंबर पे आपको रजत पाटीदार दिखेंगे, चार नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल, पांच नंबर पे कैमरोन ग्रीन है, ये क्रिस ग्रीन मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक कि कैमरोन ग्रीन है। छह नंबर पे एज ए इंपैक्ट प्लेयर कौन आएंगे, अनुज रावत आ सकते हैं इंपैक्ट के तौर पे, जो कि प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं। दिनेश कार्तिक फिर छह नंबर पे, सात पे करण शर्मा, आठ पे अलजारी जोसेफ, नाइन्थ पे मयंक डागर, टेंथ पे मोहम्मद सिराज और ग्यारह नंबर पे आपको दिखेंगे यश दयाल। ये ग्यारह प्लेयर दिखेंगे, यहां पे आप देखोगे तो मोहम्मद सिराज डेथ में गेंदबाजी करते हैं, यश दयाल डेथ में गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी में ज्यादा कुछ है नहीं। एक चीज आरसीबी को सजेस्ट करूंगा, कैमरोन ग्रीन को ओपन करवा लो कैमरोन ग्रीन को ओपन। विराट कोहली वन डाउन, तीन नंबर पे लेके आओ विराट कोहली को, जीतना नहीं है क्या आरसीबी? अरे ये जो कैमरोन ग्रीन है ना, जिसको आप खराब कर रहे हो पांच नंबर पे, ये चीर फाड़ देगा अगर इसको ओपन करवाओगे। सामने वाली टीम को समझ नहीं आएगा कि करे क्या, छह ओवर में 70-80 रन पीट देगा और हर दूसरे मैच में पीट देगा। इसको छह नंबर पे खराब मत करो, अरे पैसे दिए हैं तो पैसे की लाज रख लो, किसी की तो मान लो, ओपन करवा लो इससे। ये रहेगी इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, समझ गए? अब बात कर लेते हैं सामने वाली टीम जो पंजाब किंग्स की रहेगी, उसकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 को लेके। तो यहां पे आप देखना, शिखर धवन के साथ जोनी बेस्टो ओपन करेंगे, उसके बाद सैम करन, लेकिन तीन नंबर पे फिर इंपैक्ट प्लेयर आएंगे परब सिमरन सिंह। जी हाँ, परब सिमरन सिंह वन डाउन आपको दिखेंगे इंपैक्ट के तौर पे। फिर सैम करन है, फिर चार नंबर पे जितेश शर्मा है, पांच पे लियाम लिविंगस्टोन, छह पे शशांक सिंह, सात पे हरप्रीत बराल, आठ पे राहुल चहर, नाइन पे हर्षल पटेल, दस पे खगिजो रबाडा और ग्यारह नंबर पे आपको दिखेंगे अर्शदीप सिंह। यहाँ पे अर्शदीप सिंह और रबाडा डेथ में करने चाहिए, यार हर्षल पटेल को क्यों दे रहे हो डेथ में? हर्षल पटेल डेथ का गेंदबाज नहीं है, अरे उसको यॉर्कर डालनी नहीं आती, लास्ट में स्लोर वन नहीं चलती, लास्ट में चलती नहीं है स्लोर वन, अरे बैट्समैन बल्ला मार रहा है यार, छोटी बाउंड्रीज है, जाएंगे रन, तो मत दो डेथ में गेंदबाजी। बाकी यहां पे आप देखोगे ओवर्स किसके कट सकते हैं, अगर किसी की पिटाई होती, जैसे कि लास्ट मैच में सैम करन के ओवर कटे, यहां पे ओवर्स कट सकते हैं, अगर पिटाई हुई तो राहुल चहर के ओवर्स कट सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे, हाँ राहुल चहर के ओवर कट सकते हैं, राहुल चहर की जगह या फिर हर्षल पटेल के भी ओवर्स कट सकते हैं, ये दो के चांसेस है जिनके ओवर कटने के चांसेस रहेंगे। तो ये थी प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर पंजाब किंग्स। अब बात करते हैं कि आपको टीम कैसे बनानी है, क्योंकि आपको टीम कैसे बनानी है ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, टीम कैसे बनानी है उससे पहले एक चीज देख लेना आप लोग, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि कैसे आप लोग 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों ये आप देखते जाइए, जी हां ये आप लोग देखते जाइए, सॉरी माई इलेवन सर्कल एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे इस आईपीएल आपको 1 करोड़ रुपया पहला प्राइज, यानी कि 1 करोड़ से शुरुआत हो रही है, 1 करोड़ से शुरुआत हो रही है, सोचिए कितनी बड़ी बात है, 1 करोड़ रुपया आप जीत सकते हो माई इलेवन सर्कल पे। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आप ये देखिए पावर प्ले की जो है ना 10 विनर होंगे, 10 विनर को आपको देख सकते हैं, आपको मिलेगी महिंद्रा थार। फर्स्ट रैंक पे आएंगे तो महिंद्रा थार, दो पे आओगे तो महिंद्रा थार, तीन पे महिंद्रा, चार पे महिंद्रा, पांच पे महिंद्रा, छह पे महिंद्रा, सात पे महिंद्रा, आठ पे महिंद्रा, नौ पे महिंद्रा और 10 पे भी महिंद्रा लेके चले जाओ। अरे यार एक टीम बना ली, 10 नंबर तक भी आ गए ना माई इलेवन सर्कल पे, तो एक आप महिंद्रा थार फिर आप घूमोगे और कहीं ना कहीं जिसको जिसके पीछे घूम रहे हो वो पटी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके है ना डाउनलोड कर लो माई इलेवन सर्कल को, क्योंकि अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे जो कि कमेंट बॉक्स में भी है, पिन की हुई डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपको 500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। अब अगर आपको 500 रुपए ज्यादा नहीं लगते हैं तो भाई 1500 रुपए ज्यादा नहीं लगते हैं तो मुझे दे देना, डाउनलोड कर लो और
फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 12,000 रुपए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ और माय 11 सर्कल को डाउनलोड करो। अब चलिए बात करते हैं कि इस मैच के लिए आपको टीम बनानी कैसे है, आप क्या क्या करेंगे। 3, 2, 1 यहां पे देखते जाइए। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, जितेश शर्मा, परमसिमरन सिंह, जॉनी बेस्टो, ये आपको 5 दिखेंगे। अब 500 में से किसको लेना है किसको नहीं लेना है इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ चीजें पता चलती है पिच रिपोर्ट को लेके कि विकेट कैसी है, ग्रास कितनी है, जो कटाफटा पिच है वो कितना है, कितना स्पिनर्स को मदद मिलेगा, कितने रन्स बन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो और ज्वाइन हो जाओ। और फाइनल टीम, इस मैच के लिए जो फाइनल टीम होगी, वीडियो वाले टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले विकेट कीपिंग में सेक्शन में देखोगे, अनुज रावत है, थोड़े से नीचे आते हैं, दिनेश कार्तिक है, थोड़े से नीचे आते हैं, यहाँ पे परमसिमरन सिंह आपको अच्छी वन डाउन बैटिंग देते हैं, जितेश शर्मा है और जॉनी बेस्टो है। देखिए, ये तो माई 11 सर्कल है, जहां पे आप इजीली जॉनी बेस्टो को रख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जॉनी बेस्टो को लेना है। लेकिन आप अदर एप्लीकेशन पे जाओगे ना, वहां पे खेलोगे, तो वहां पे आपको विकेट कीपिंग में जॉनी बेस्टो नहीं दिखेंगे, वहां पे आपको जितेश शर्मा और दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ही दिखेंगे। तो वहां पर सीधा सीधा जितेश शर्मा को अपने टीम में ले लेना, परमसिमरन सिंह को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, वहां पर जितेश शर्मा को ले लेना, यहां पर आप जितेश शर्मा को छोड़ देना। अनुज रावत, दिनेश कार्तिक थोड़ा नीचे आते हैं, तो मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि लास्ट मैच में अच्छा खेले, लेकिन हर मैच में 6 ओवर में 3 विकेट नहीं जाएगी, जानी भी नहीं चाहिए, तो वहां पे आप इन दोनों को छोड़ सकते हो। बैटिंग सेक्शन में फाफ डुप्लेसी को आपको लेना ही है, बहुत अच्छे प्लेयर है यार, इस बंदे की फिटनेस देखो, आप एक बार फिटनेस देखो ना, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, केवल आईपीएल में खेलने को आ रहा है, या फिर एक दो कोई लीग मिल जाए वहां पे खेलता है, बहुत खतरनाक फिटनेस है इस बंदे की। शिखर धवन को आप लेके जाएंगे इस विकेट पे, शिखर धवन काफी बढ़िया कर सकते हैं, उतनी बढ़िया गेंदबाजी भी नहीं है बैंगलोर के पास। विराट कोहली को हम लेके जाएंगे, रजत पाटीदार, साल बदला, जगह बदली, लीग बदली, खिलाड़ी बदले, रजत पाटीदार नहीं बदला और रजत पाटीदार बदलेगा भी नहीं, बट होप यार खेले, होप खेले रजत पाटीदार, बढ़िया, मैं चाहता हूं खेले रजत पाटीदार। शशांक सिंह है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। बाकी रायली रोशो वगैरह है, ये आपको दिखेंगे किसमें, ये जो है ना, ये आपको इंपैक्ट के तौर पे दिखेंगे रायली रोशो वगैरह। महिपाल लोमरोर, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, रजत पाटीदार की जगह आप खिला सकते हो महिपाल लोमरोर को, बहुत बढ़िया प्लेयर, रजत पाटीदार से बढ़िया प्लेयर है, इतनी मान लो, समझ गए। ऑलराउंडर में आप देखोगे तो सैम करन है। देखिए, लास्ट मैच में ओवर्स क्यों कटे ये मुझे पता नहीं है यार, ओवर्स मिलने चाहिए, 18 करोड़ में आपने लिया है, तो क्या जागरण के लिए लिया है, 18 करोड़ रुपए दिए, डेथ में गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, फिर आप आईपीएल में बेइज्जत कर रहे हो इसको, तो ये तो बहुत गलत बात है, खिलाओ यार, गेंदबाजी कराओ, लास्ट मैच अच्छा खेला है, टीम में बनता है सैम करन को लो। कैमरॉन ग्रीन को आप लो, और मैं तो बोलूंगा मेरे बड़े भाई फाफ डुप्लेसी ओपन करवा लो, मजा आएगा, एक बार करवा के देखो इसको ओपन। फिर लियाम लिविंगस्टोन को लेके जाइए, ऐसी विकेट पे तो मार धाड़ कर सकता है, जिस तरीके की बैंगलोर की विकेट है, मार धाड़ कर सकता है। हर्षल पटेल डेथ में गेंदबाजी मत देना, और कुछ भी करवा लेना हर्षल पटेल से। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल है, तो देखिए सैम करन को लिया, कैमरॉन ग्रीन को लिया, लियाम लिविंगस्टोन को लिया, हर्षल पटेल को ड्रॉप कर दिया, ग्लेन मैक्सवेल को आपको लेना ही लेना है, बेस्ट कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी नीचे से देखोगे तो आपके पास कोई भी नहीं बन रहा। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक तो रबाडा को लिया, राहुल चहर बेंगलुरु की विकेट है, फ्रेश विकेट पे मैच हो रहा है, तो शायद पिटाई हो जाए,
उसके अलावा हरमनप्रीत बरार है, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन स्मॉल लीग में कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्की बन सकते हैं। अर्शदीप सिंह अगर पहले गेंदबाजी कर रही है पंजाब की टीम, लेके जाइए। उसके अलावा यश दयाल डेथ में गेंदबाजी करते हैं, ये ध्यान में रखना। करण शर्मा बेंगलुरु की विकेट है, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। मयंक डागर भी एक ऑप्शन है। मोहम्मद सिराज को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि बेंगलुरु के लिए मेन गेंदबाज मोहम्मद सिराज ही है। बाकी अल्जारी जोसेफ बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन सामने वाली टीम को जिताने के लिए दिए होंगे। उसके अलावा कोई यहां पे है नहीं। मैं क्या करता हूं, एक बार मैंने क्या किया, मैंने ले लिया अर्शदीप सिंह को। बाकी यहां पे आपके लिए यश दयाल एक ऑप्शन बनते हैं, जो आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं बेंगलुरु की टीम के लिए। बेंगलुरु की टीम से बात करते हैं तो यश दयाल आपके लिए सबसे बेस्ट गेम चेंजर बन सकते हैं, ध्यान में रखना यश दयाल का, स्पेशली पहले अगर बॉलिंग करती है। बाकी सीबीसी की बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं सैम करन की तरफ जाएंगे कैप्टनसी के लिए। मैं आपको बोलूंगा आपके पास ऑप्शन है, ग्लेन मैक्सवेल ऐसी विकेट पे बढ़िया कर सकते हैं, तो मैंने ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टनसी दी। वाइस कैप्टनसी मैंने क्या किया, वाइस कैप्टनसी मैंने यहां पर दी फाफ डुप्लेसी को, समझ गए। और यहां पे अगर आपको ढूंढने हैं गेम चेंजर कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैं आपको बोलूंगा शिखर धवन। जी हां, शिखर धवन आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकते हैं। उसके अलावा कैमरोन ग्रीन आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकते हैं, स्पेशली कैमरोन ग्रीन अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ये सारा कुछ हो सकता है, इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। बाकी कोई भी अपडेट आती है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, और माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।